अगली खबर है उद्योगपतियों के आतंक से जुड़ी हुई। उद्योगपतियों के सामने शासन प्रशासन किस तरह से नतमस्तक आए दिन देखने को मिलता है। विगत एक माह से कोर्ट का आदेश लेकर किसान भटक रहे हैं। न्यायालय ने किसानों की जमीन खाली कराकर सुपुर्दगी का आदेश दिया, लेकिन प्रशासन को कोर्ट के आदेश का पालन करवाने में पसीना छूट रहा है। दरअसल मामला जेपी सीमेंट फैक्ट्री का है, जहां किसानों के लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर गहरी खाई कर दी गई है। किसान को ना तो मुआवजा मिला है और ना ही जमीन, जिसके बाद किसान कोर्ट की शरण पहुंचे तो कोर्ट ने कलेक्टर से जवाब तलब करते हुए किसान की जमीन यथास्थिति लौटाने का आदेश दिया। लेकिन रीवा कलेक्टर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। बताया जाता है कि एक बार नोटिस भी जारी की गई और टीम गठित की गई कि जमीन खाली करा दी जाएगी, लेकिन प्रशासन, जेपी सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन और राजनीतिक दबाव के चलते किसानों की जमीन खाली नहीं करा रहा है। पीड़ित किसान ने बताया कि उसकी जमीन पर गहरी खाई बना दी गई है, ना तो खेती की जा सकती, ना ही पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। अब जेपी प्रबंधन और प्रशासन की साठ गांठ से जमीन खो चुका किसान परिवार भूखे मरने की कगार पर है। इतना ही नहीं, कोर्ट का आदेश लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। आइए सुनाते हैं पीड़ित किसान गोविंद पांडे ने उक्त मामले को लेकर क्या कहा है। मैं गोविंद प्रसाद पांडे ग्राम नवस्था का निवासी हूँ। आपकी जमीन में हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया था। हाँ, उसका आज तक पालन नहीं किया गया है। मेरी जमीन 2 एकड़ 56 डिसमिल थी नवस्था में माइंस के पास, तो जेपी सीमेंट और प्रशासन मिलकर उसको जेपी सीमेंट के नाम कर दिए। मेरा नाम वहाँ से हटा दिया गया है। ना हमारे नाम से कापी बनी है, ना कोई हमारे नाम से रिकॉर्ड है। हमने यहाँ कलेक्टर को, एसपी साहब को आवेदन किया कि हमारी ज़मीन खाली कराई जाए, यहाँ काम बंद कराया जाए, लेकिन इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। ना काम बंद करवाया गया, यहाँ ज़मीन में समुद्र बना दिया गया। इसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से आदेश हुआ 6 सप्ताह के भीतर हमारे नाम करने के लिए, नामांतरण करने के लिए, लेकिन यहाँ से कलेक्टर महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना तहसीलदार महोदय द्वारा कहा गया कि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। फिर पुनः हमने हाई कोर्ट में उसका आवेदन किया, वहाँ से फिर आदेश हुआ इनको यहाँ काम बंद करने का, उसमें कार्रवाई करने का, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये हमारा हाई कोर्ट का आदेश है और हम कई बार प्रयास कर चुके माननीय कलेक्टर महोदय से कि हमारा ये ज़मीन खाली कराई जाए, हमारा ज़मीन जो स्थिति में था उस स्थिति में हमारी ज़मीन वापस कराई जाए, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जेपी सीमेंट से मिलकर साठ गांठ करके मतलब हमारी ज़मीन 20 वर्ष 25 वर्ष से पूरा हमारी फसल का नुकसान किए, हमारी ज़मीन को खोद के पूरा तालाब बना दिए। हम उसमें कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ कुछ कोई काम कर सकते हैं, ना पेड़ पौधा लगा सकते हैं, पूरा खदान में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि हमारा तत्काल 1 हफ्ते के अंदर इसमें कार्रवाई करा के और हमारी ज़मीन वापस कराई जाए, और हमारी जो जिस स्थिति में ज़मीन थी उस स्थिति में हमारी ज़मीन वापस कराई जाए।